अब हम लोग सीख रहे हैं यूज ऑफ वुड हैव टू वुड हैव का यूज़ मजबूरी के लिए किया जाता है मतलब किसी काम को करना होता या करना पड़ता समझ रहे हैं इसका सेंस क्या है आपको इतना दिमाग में रखना है कि भैया ऐसा करना पड़ जाता या ऐसा करना पड़ता जब इस तरीके का सेंटेंस होता है तो वहां पर हम वुड हैव टू का यूज करते हैं वुड हैव का नहीं वुड हैव टू का और इसके साथ वर्व की फर्स्ट फॉर्म आती है ध्यान से समझिएगा क्या बता रहा हूं पहले सेंटेंस को समझो कि किसी काम को करना पड़ता या काम को करना पड़ जाता जैसे मुझे आपसे मिलना पड़ता होता तो बहुत कम यूज होगा ठीक है आपको ज्यादातर यूज समझ में आएगा पड़ता मुझे आपसे मिलना पड़ता यह मजबूरी है हमें आपके घर आना पड़ता यह भी मजबूरी है उन्हें आपसे बात करनी पड़ती मजबूरी है भैया उन्हें तुमसे बात करनी पड़ती वरना मतलब किस सेंस आएगा या तो बच गए या फंस गए ठीक है जैसे उसे मेरे साथ बैठना पड़ता मजबूरी है ना मजबूरी उसे वहां नहीं जाना पड़ता ये निगेटिव मजबूरी है उसे वहां नहीं जाना पड़ता उसे वहां नहीं जाना पड़ता क्या उसे वहां जाना नहीं पड़ता ठीक है ये सब मजबूरी की बातें हो रही हैं तो मजबूरी के लिए हम वुड हैव टू का यूज करेंगे जैसे मुझे आपसे मिलना होता या मिलना पड़ता तो आई वुड है मुझे आपसे मिलना पड़ेगा आई विल हैव टू मीट यू आई विल हैव टू मीट यू दोनों का सेंस समझो ये पास्ट है और ये फ्यूचर है मुझे आपसे मिलना पड़ता कोई बात पास्ट में हुई है और उस समय की मजबूरी की आप बात कर रहे हैं कि भैया मुझे आपसे मिलना पड़ता तो आई वुड यू लेकिन अगर मैं फ्यूचर की बात करूं कि मुझे कल आपसे मिलना पड़ेगा तो आई विल हैव टू मीट यू सिंपल है पास्ट की बात है हमें आपके घर आना पड़ता तो वी वुड होम हमें आपके घर आना पड़ता वी वुड टू कम टू योर लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे कि हमें आपके घर आना पड़ेगा तो वी विल हैव टू कम टू योर होम ठीक है लेकिन ये पास्ट की बात है इसलिए विल की जगह वुड हो गया उन्हें आपसे बात करनी पड़ती पास्ट की बात है दे करना पड़ता मतलब वुड हैव टू दे वुड हैव टू टॉक टू यू उन्हें आपसे बात करनी पड़ती लेकिन अगर फ्यूचर की बात करेंगे कि उन्हें आपसे बात करनी पड़ेगी तो दे विल हैव टू टॉक टू यू ठीक है समझ में तो फ्यूचर के लिए विल हैव टू यूज करेंगे पास्ट के लिए वुड मेरे उसे मेरे साथ बैठना पड़ता उसे मेरे साथ बैठना पड़ता ही वुड me उसे मेरे साथ बैठना पड़ता ही वुड to सिट विद मी वुड हैव टू एक ही चीज है ये पूरा वुड हैव टू का मतलब है कि ये काम करना पड़ता ठीक है और उसे मेरे साथ बैठना पड़ेगा तो ही विल हैव टू मीट मी सिट विद मी ठीक है नेक्स्ट उसे वहां नहीं जाना पड़ता उसे वहां नहीं जाना पड़ता पास्ट की मजबूरी है कि उसे जाना नहीं पड़ता वहां तो हम बोलेंगे ही वुड नॉट हैव टू गो देयर He, बस ही बस यही तो है वुड हैव टू के बीच में नॉट आ गया वुड नॉट हैव टू क्या आ गया बेटा वुड वुड नॉट नॉट हैव हैव टू टू ही गो देर उसे वहां नहीं जाना पड़ता और अगर फ्यूचर की बात करेंगे कि उसे वहां नहीं जाना पड़ेगा तो ही विल नॉट हैव टू गो देर ठीक है सिंपल समझ मार है फ्यूचर की बात है तो विल हैव टू पास्ट की बात है कि ऐसा करना पड़ता वैसा करना पड़ता ऐसा नहीं करना पड़ता तो वहां पर वुड हैव टू आएगा ठीक है क्या उसे वहां नहीं जाना पड़ता हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या उसे वहां नहीं जाना पड़ता वुड ही नॉट हैव टू गो देयर वुड ही नॉट देयर क्या उसे वहां नहीं जाना पड़ता ये पास्ट की बात है फ्यूचर की बात करेंगे तो विल ही बस ये वुड की जगह बेटा विल ही तो यूज़ करना है तो फ्यूचर बन जाएगा वुड यूज़ कर दिया तो पास्ट ठीक है समझ में आया क्या समझ में आया वुड हैव टू का यूज़ क्या किया जाता है जब भी हम ऐसे सेंटेंस बोलेंगे कि, कि किसी काम को करना पड़ जाता या करना पड़ता मजबूरी में तो आप वहाँ पर वुड हैव टू का यूज़ करेंगे आप स्क्रीनशॉट लो एक दो सेंटेंस बनाओ आपका सब दिमाग एकदम क्लियर हो जाएगा